नेबीरॉक्स टीम। तो मैं आप लोगों के लिए आगे भाई हूँ मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा रशियन प्रीमियर लीग फुटबॉल का KSS वर्सेस भाई हूँ AKM के बीच 1 घंटे 34 मिनट बाद। तो मैं आपको बता दूँ वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन टेंशन मतलब मैं आपको बता दूँ लाइनअप्स के बाद वैसे आपको टीम कहाँ दी जाएगी। लाइनअप्स के बाद आपको टीम दी जाएगी मेरे चैनल है टेलीग्राम पे नेबीरॉक्स ड्रीम 11 टीम्स के चैनल पे, जो कि अगर आप इसको सर्च करेंगे, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे इधर आपको फाइनल टीम मिल जाएगी। लेकिन आज मैं सुबह से इधर टीम नहीं दे पा रहा कुछ कारण से भाई हूँ, क्योंकि आज एक्चुअली थोड़ा बिजी है तो बड़े टाइम निकाल के वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। पर मैं कह रहा हूँ रेगुलर रिजल्ट आपको टीम मिल जाएगी, अगर मैं दे सकूँ तो इसकी टीम ज़रूर दूंगा। बात करें इस टीम की तो भाई इस ये टीम दिखाने से पहले ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। कॉन्टेस्ट आप हेड टू हेड भी खेल सकते हो, 3 मेंबर 4 मेंबर। इन्वेस्टमेंट थोड़ी लो ही रखना क्योंकि नई लीग है रशियन लीग, मतलब अभी के लिए थोड़ा नई है, वैसे तो काफ़ी पहले से चलती आ रही है। बात करें गोल कीपर की तो यहाँ से लेंगे एस रिजिकोव को। तो एस रिजिकोव एक टॉप का गोल कीपर है, जो कि मैं बता दूँ काफ़ी खतरनाक गोल इसने सेव कर रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक मैच में इतने पॉइंट दे सकते हैं जी जितने कि एक गोल या डिफेंड एक मिडफील्डर या डिफेंडर एक गोल या असिस्ट पे देते हैं, क्योंकि इसके पॉइंट आप देख ही पा रहे होंगे भाई, काफ़ी खतरनाक पॉइंट है। गोल कीपर लगता नहीं, अगर आप नहीं देखेंगे, अगर आप इसकी पोजीशन छोड़ के अगर इसके पॉइंट देखेंगे तो आपको लगेगा डिफेंडर या मिडफील्डर ही है ये, जितनी जिस तरीके से पॉइंट देता है। बात करें डिफेंडर की तो एम कारपोव एक टॉप का डिफेंडर है, जो कि मैं आपको बता दूं आज के मैच में असिस्ट चाहिए शायद मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। लेकिन टेंशन मत लेना, जब ये मैच में मैं आपको बता दूं जितने मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि अगर हम कैप्टन डिफेंडर में से किसी को बनाते हैं जब वो असिस्ट करेगा तो हमें हमारे पॉइंट डबल होंगे, तो भाई ज़रूर होंगे, ये एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जो भी अगर आप डिफेंडर में से किसी वाइस कैप्टन ट्राई करते हैं वो आपका एक ऑन रिस्क पे आप ट्राई अपना देख के कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल न्यू ही होगा। यहाँ से बात करें नीचे लेंगे एन चेरनोव को, KSS का काफ़ी बढ़िया प्लेयर आप देख सकते हैं, अच्छा प्लेयर है भाइयों। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रीवियस जो मैचेस इसके गए हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा 16 मार्च के बाद आज मैच हो रहा है, तो जो मार्च की इन्होंने स्टार्ट की थी सीरीज़ तो 2 महीने के लिए बंद हो गई थी, आप लोग जानते हैं किस कारण से। तो एन चेरनोव एक प्लेयर है, लो प्लेयर है, मैं आपको बता दूँ। देखो मैं लो प्लेयर के साथ हर बार जाता हूँ, क्योंकि जिस पे भरोसा ना हो अगर वो कुछ अच्छा कर जाए तो भाई वो पॉइंट बहुत खतरनाक बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये सिंगल असिस्ट भी कर गया तो आपको बहुत फ़ायदा देके जा सकता है। नीचे से बात करें यहाँ से लेंगे डी कॉम्बेरव को, तो डी कॉम्बेरव भी एक अच्छा प्लेयर है, चाहे तो आज के मैच में असिस्ट तो भाई वो ले ही सकता है। नीचे से बात करें तो यहाँ से लेंगे ए सेमनोव को, तो ए सेमनोव भी एक काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ए सेमनोव इससे तो मेरे को असिस्ट की भी गोल है, प्लस ही गोल की भी गोल है मुझे तो इससे, मतलब गोल अगर कर गया तो भाइयों बहुत फ़ायदा देके जाने वाला है, उम्मीद होती है भाइयों गोल और असिस्ट की। लेकिन ए सेमनोव मैं आपको बता दूँ टॉप डिफेंडर है अपनी टीम का AKM का। बात करते हैं मिडफील्डर की, तो यहाँ पे मेन बात आ जाती है भाई मिडफील्डर की, जो कि गोल करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ से लेंगे भाई ए जिनकोविस्की को, जो कि आपको बताना चाहूँगा 16 मार्च के मैच में लाइनस में था नहीं, जो कि अच्छा खासा नहीं खेल पाया। अगर आप इसकी पहले के देखते हैं भाई, 2019 तक के रिकॉर्ड आ रखे हैं पिछले साल के, मतलब अगर आप इंटरनेट पर सर्च नहीं करते तो इधर ही इतना पुराना रिकॉर्ड है कि आपको पता चल जाएगा एक नॉर्मल प्लेयर है। मैं आपको बताना चाहूँगा देखो अगर पूरा इसका स्टेटस देखा जाए, मैंने चेक किया था, देखो इतना खास नहीं है, मतलब बहुत ही है कि बहुत रेयर ही होगा जब ये गोल करेगा। मतलब देखो सेव जाना तो इसके साथ चले जाओ, अगर इसको ड्रॉप करना है तो मेरी तरफ से आप इसको आराम से ड्रॉप कर सकते हैं, कोई इसमें रिस्क नहीं है। और बात करें ओरोशी अच्छा प्लेयर है, मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी बढ़िया खेल चुका है, आप देख सकते हैं, मतलब अगर ये चाहे तो आज के मैच में गोल करना इसके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर को आदत हो गोल करने की, क्योंकि सारे प्लेयर्स आपको पता है फुटबॉल में मेन काम होता है गोल कीपर एंड गोल करना असिस्ट, ये तीन काम होते हैं भाइयों मेन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेन काम है ओरोशी गोल का, भाइयों जो गोल करने का तरीका होता है ये जानता है, बखूबी निभाता है भाई वो तरीका। AKM का काफ़ी बढ़िया है डिफेंडर। और नीचे से लेंगे भाई डी कैबुटोव को, ये भी अच्छा प्लेयर है भाइयों। देखो मैं आपको बता दूं कि मेरे को लग रहा है कि AKM भी टीम स्ट्रांग है, KSS भी, तो दोनों में से आपस की टक्कर होनी है, पता नहीं कौन अब क्या करके जाने वाला है। बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड की, यहाँ से लेंगे भाई डी रेडनजिंक को, तो डी रेडनजिंक मैं आपको बताना चाहूँगा अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में से, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ गोल करते हैं भाइयों, ये असिस्ट भी करते, काफ़ी बढ़िया प्लेयर्स हैं। मैं आपको बता दूं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेन ढूंढना होता है, क्योंकि बाई चांस अगर हम यहाँ से, अगर मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर मैं टीम ना दे पाया टेलीग्राम पे क्योंकि आज थोड़ा वर्क में बिजी हूँ, तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका, अगर कोई भी तीन स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रहे होंगे आपने ज़रूर उठा लेने हैं, आपने पॉइंट्स नहीं देखने, आपने ना उनकी सिलेक्शन देखनी है, आपने चुपचाप उठा लेने हैं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड का प्लेयर गोल करता ही करता है एक बार, मतलब करेगा ही करेगा मैच में, और वी इलजिन के साथ जाएंगे।
व्हील जिन भी अच्छी पिक है। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड में मैं इतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड में गोल करने के चांसेस 99% होते हैं भाइयों, डिफेंडर से भी ज़्यादा, मिडफील्डर से काफ़ी ज़्यादा। बात करते हैं भाइयों कैप्टन वाइस कैप्टन की। कैप्टन मेरा रहने वाला है ओ रोशी, और वाइस कैप्टन रहने वाला है भाइयों डी रेडनजिक को, जो कि मैं रिस्क ले रहा हूँ डी रेडनजिक को रख के वाइस कैप्टन, मतलब काफ़ी बड़ा रिस्क है। अगर आप चाहें तो चेंज करके ए पॉन्स के साथ जा सकते हैं वाइस कैप्टनसी में, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम ये रहने वाली है। बाकी मैं आपको बता दूं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।